हेलो फ्रेंड, ठीक है चैनल पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, आप सभी जानते होंगे कि नेवल डॉकयार्ड मुंबई के लिए एग्ज़ाम का टाइम बहुत ही कम है फ्रेंड, और आप सभी को अच्छे से प्रिपरेशन करना होगा, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाया जा रहा है। फ्रेंड, आप सभी को ऐसे प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड, ज़्यादा देर नहीं करते हुए क्वेश्चन शुरू करते हैं फ्रेंड, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ही कम समय बचा हुआ है फ्रेंड। ठीक है, तो जितने भी टाइम मिलते हैं फ्रेंड, आप सभी क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दें, ताकि एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न आप सभी को अच्छे से तैयार करना होगा, तो कि एग्ज़ाम जो भी जब भी पढ़े फ्रेंड, तो आप सभी अच्छे से प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम दें। और हाँ फ्रेंड, आप सभी को नेवल डॉकयार्ड मुंबई में जो भी एग्ज़ाम होने वाला है फ्रेंड, वो भी 50 नंबर का टेक्निकल क्वेश्चन होगा फ्रेंड। ठीक है, जो कि आप सभी को अच्छे से प्रिपरेशन करना होगा, तो एग्ज़ाम में आप सभी अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाएंगे। जो भी क्वेश्चन करवाया जा रहा है, वो एग्ज़ाम से देखते हुए एग्ज़ाम का रिलेटिव क्वेश्चन होगा फ्रेंड। ठीक है, और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी एग्जाम में आया हुआ टेक्निकल क्वेश्चन है फ्रेंड। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन है सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है फ्रेंड। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, 30 वोल्ट के दोनों सिरों पर चूड़ी बनी होती है। तो फ्रेंड, जो स्टड होते हैं वो दोनों सिरों पर चूड़ी बनी होती है। हाँ, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ फ्रेंड, आप सभी को ये बता दें फ्रेंड कि चार ऑप्शन नहीं बोलेंगे, जो कि डायरेक्ट आंसर होगा वही बताया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, उससे टाइम बहुत ही ज़्यादा लगता है, इसलिए आप सभी को डायरेक्ट ऑप्शन के साथ आंसर बताया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए क्वेश्चन नंबर दो के ऊपर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर दो ये बोला है फ्रेंड, किस नट का ऊपरी भाग पर गोलाकार गुंबद बना होता है। तो फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए के ऊपर जाएंगे, जो कि कैप नट होता है, जो कि उसके ऊपर गोल गुंबद, एक नट गोल गुंबद जैसा बना होता है। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर थ्री ये बोला है फ्रेंड, 21 वोल्ट का प्रयोग मशीनों को उठाने के लिए करते हैं। तो फ्रेंड, जो मशीन को उठाने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे बोलते हैं फ्रेंड, उसे बोलते हैं आई वोल्ट। ठीक है, वो मशीन को उठाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चार के ऊपर। क्वेश्चन नंबर चार क्या बोल रहा है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर चार ये बोल रहा है कि किस वोल्ट का प्रयोग मशीन को फर्श के साथ स्थिर किया जाता है। तो फ्रेंड, जो स्थिर किया जाता है मशीनों को फर्श के साथ, उसे बोलते हैं फ्रेंड फाउंडेशन वोल्ट, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फाइव ये बोल रहा है फ्रेंड कि वोल्ट जो मटेरियल के बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड, आप सभी को पता होगा कि वोल्ट जितने भी होते हैं वो लगभग माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सिक्स ये बोल रहा है फ्रेंड कि शोल्डर एक प्रकार का फास्टनर्स है। तो फ्रेंड, जो शोल्डर होते हैं वो होते हैं अर्ध स्थाई। ठीक है, अर्ध स्थाई बंधन है फ्रेंड, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड, आप सभी को डायरेक्ट आंसर बताया जा रहा है फ्रेंड। ठीक है, ये सबसे अच्छी बात है। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन क्या बोल रहा है फ्रेंड, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में लगभग क्वेश्चन ये एग्जाम में देखने को मिलते हैं फ्रेंड। जो भी आप सभी को एग्जाम क्वेश्चन करवाया जा रहा है, वो लगभग सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है फ्रेंड, एग्जाम के निगरानी से। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन क्या बोल रहा है फ्रेंड कि M10 × 1.5 एक प्रकार की ग्रेड है। तो वो जो है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, मीट्रिक थ्रेड। ठीक है फ्रेंड, जो मीट्रिक ग्रेड होते हैं वो कि आप सभी को M10 × 1.5 एक प्रकार के ग्रेड में आते हैं। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर एट क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर नाइन फ्रेंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नाइन ये बोला है फ्रेंड कि वाशर निम्न में सहायक होते हैं। तो फ्रेंड, जो वाशर होते हैं फ्रेंड, वो बल को बड़े क्षेत्र में वितरित करने के लिए वाशर का प्रयोग किया जाता है। आप सभी बोलते होंगे फ्रेंड कि क्वेश्चन नंबर एट क्यों नहीं आया। तो फ्रेंड, आप सभी को जो भी प्रश्न करवाया जा रहा है वो बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है फ्रेंड। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाया जा रहा है, जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है एग्जाम के प्रिपरेशन उसी के तरीके से करवाया जा रहा है। जो भी पूछने वाले हैं वैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आप सभी को देखने को मिलेंगे, आप अच्छे से प्रिपरेशन करें। ठीक है फ्रेंड, तो क्वेश्चन नंबर टेन। क्वेश्चन नंबर टेन क्या बोल रहा है कि कर्तन कोण पर हल्की उत्तल दी जाती है। तो फ्रेंड, जो कर्तन कोण पर हल्की उत्तल दी जाती है, उसे बोलते हैं फ्रेंड अंत छोर को काटने से बचाया जा सके, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है फ्रेंड कि एक एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड का निम्नलिखित में कौन सा एलिमेंट प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं मापा जाता है। तो फ्रेंड, जो वो पिच डायमीटर होते हैं उसे नहीं मापा जा सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है फ्रेंड कि एक प्रोसेस के द्वारा किसी स्क्रू थ्रेड को बिना धातु हटाए बनाया जाता है, जिसे कहते हैं। तो फ्रेंड, बिना धातु हटाए जो बनाते हैं उसे बोलते हैं फ्रेंड थ्रेड रोलिंग, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड,
आप सभी अच्छे से प्रिपरेशन करें फ्रेंड, एग्ज़ाम बहुत ही कम समय में अब होने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड। तो अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो एग्ज़ाम में सेलेक्ट होने का चांस है फ्रेंड, ठीक है। अब ऐसा मौका बार बार नहीं आने वाला है, ठीक है फ्रेंड। तो अच्छे से तैयारी करें, टेक्निकल अपना अच्छे से ध्यान दें, टेक्निकल ही आप सभी को एग्ज़ाम के आखिरी पड़ाव तक पहुँचाएगा, जो कि फाइनल सिलेक्शन भी देना दिलाने वाला है, ठीक है फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 ये बोल रहा है कि निम्नलिखित जोड़ने वाली विधियों में से किसके परिणाम स्वरूप पैतृक धातु पिघलती है। तो फ्रेंड जो कि वेल्डिंग होते हैं उसे पिघलने वाली धातु बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 15 ये बोला है फ्रेंड कि रिवेटिंग के बाद दो सीटों के बीच गैप दिखाई देती है। फ्रेंड ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, तो ऐसे ऐसे प्रश्न आप सभी को एग्जाम में देखने को मिलेंगे, डायरेक्ट आप सभी को एग्जाम में ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे फ्रेंड। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 15 प्रश्न क्या बोला है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 15 की रिवेटिंग के बाद दो सीटों के बीच गैप दिखाई देता है, इस दोष का क्या कारण हो सकता है। तो फ्रेंड इस दोष को बोलते हैं फ्रेंड रिवेट सेट का सही प्रयोग ना होना, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर, ठीक है फ्रेंड। एक थ्रेडेड असेंबली में मेल और फीमेल थ्रेडों के बीच संपर्क डॉट डॉट पर होता है, तो फ्रेंड वो क्या होता है, वो होता है फ्लैंक, ठीक है फ्रेंड, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 17 भी लगभग वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है फ्रेंड, सभी एग्जाम में आप सभी को देखने को मिलते हैं, जो भी टेक्निकल का तैयारी करता होगा फ्रेंड, आप सभी एग्जाम जो भी दिए होंगे आप सभी को ऐसे प्रश्न देख करके बहुत ही खुशी मिलती होगी, क्योंकि एग्जाम में ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं, ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला है कि हैंड वाइज में प्रयोग नट, फ्रेंड जो हैंड वाइज में जो प्रयोग नट होते हैं उसे बोलते हैं फ्रेंड विंग नट, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला है फ्रेंड कि सॉफ्ट सोल्डरिंग की जाती है, तो फ्रेंड जो सॉफ्ट सोल्डरिंग की जाती है वो 450 डिग्री सेल्सियस से कम पर की जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला है फ्रेंड कि निम्न में किसका प्रयोग रिवेट की जाने वाली प्लेटों को दबाने के लिए किया जाता है, तो फ्रेंड वो किया जाता है रिवेट सेट का, ठीक है फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला है फ्रेंड कि क्वेश्चन नंबर 20 ये बोला है कि रिवेट की सेट सैक से हेड बनाते समय रिवेट को हेड को आश्रय देना चाहिए, तो फ्रेंड वो ड्रोली होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है कि रिवेट को लगाने से पूर्व होल्स को अलाइन करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है फ्रेंड। तो जो प्रयोग किया जाता है उसे बोलते हैं ड्रिफ्ट, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। फ्रेंड आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी इस चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने ऑल दोस्तों के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी टेक्निकल एग्ज़ाम देने में कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है फ्रेंड। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू फ्रेंड।